बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद तैयब ज़ाहिर और आप देख रहे हैं YouTube चैनल खबरनामा। महंगाई बहुत हद तक बढ़ चुकी है और बिजली की फी यूनिट कीमत जो है वो 7.5 रुपये बढ़ गई है। इस और नई गवर्नमेंट भी आ गई है, मरियम नवाज़ जो है वो वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गई हैं और आए दिन वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए मीटिंगें कॉल करती हैं। क्या वो मीटिंगें असर दिखाएंगी, इस हवाले से बात करेंगे, आम लोगों की राय लेंगे कि वो बिजली की फी यूनिट जो कीमत है 7.5 रुपये बढ़ने पर क्या कहते हैं। आइए चलते हैं आवाम के पास। गरीब आदमी तो बिल्कुल ही मर गया। आप हमारे पास आए हैं, देखा अपना क्या, हम कैसे आपके हाथ रख के बैठे। ये सारे महंगाई की वजह है। जरा इधर नजर दोहराए, देखे बिजली हमने बंद रखी हुई है ताकि ये ग्राहकों से कोई रिलीफ हासिल कर सके। जुल्म कर रही है आवाम के साथ, के आते साथ ही उन्होंने 7.5 रुपये प्रति यूनिट बढ़ा दिया है। बजाय रिलीफ में लेके हमें तो तकलीफ मिल रही है। ये हमारे सर पे अजाब है। हम अपने बच्चों को रोटी खिलाएं या बिजली के बिल दें, कारोबार बिल्कुल नहीं है, खत्म हुए हुए हैं। सारा दिन मुँह देखते रहते हैं, बच्चे हमारे भूखे हैं। बिजली का बिल दें, स्विच गैस का बिल दें, पेट्रोल करें, क्या करें, किधर जाएं। ये हुकूमत तो बहुत ज्यादा जुल्म कर रही है, बहुत बुरे हालात हो गए लोगों के लिए। अब आटा खरीदना और क्या ना बिजली का बिल देना ही बहुत मुश्किल है। अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, आगे आप क्या सरवाइव करेंगे। इन्होंने बस बंदरबांट करनी है, लूटमार करनी है, अपना अपना हिस्सा लेना है और इस तरह इन्होंने टाइम निकाला। जी यहाँ पे एक साहब मौजूद हैं और दुकानदारी करते हैं, इनसे पूछते हैं कि 7.5 रुपये बिजली की फी यूनिट कीमत बढ़ गई है, वो क्या कहते हैं इस हवाले से। भाई जान बहुत जबरदस्त, ये हमारे सर पे अजाब है। हम अपने बच्चों को रोटी खिलाएं या बिजली के बिल दें, कारोबार बिल्कुल नहीं है, खत्म हुए हुए हैं और यहाँ पर अजाब बना हुआ है। सारा दिन मुंह देखते रहते हैं, बच्चे हमारे भूखे हैं। बिजली का बिल दें, स्विच गैस का बिल दें, पेट्रोल करें, क्या करें, किधर जाएं। मरियम मीटिंग कॉल्स कर रही हैं, मरियम कह रही हैं महंगाई कम करेंगे, नई गवर्नमेंट भी आ गई है, आपको उनसे क्या उम्मीद है। इंशाल्लाह उनसे उम्मीद तो काफ़ी है, अल्लाह उनकी सेहतयाबी तंदरुस्ती दे, हमें उम्मीद तो काफ़ी है, हमारे को रिलीज दे गरीब आवाम को। लेकिन हुकूमत आते ही 7.5 रुपये बिजली की कीमत बढ़ी, ये तो सरासर जुल्म, ये सरासर जुल्म, एक जुल्म, एक बहुत बड़ा जुल्म है आवाम के साथ। एक तो पहले ही बिजली के बिल बहुत आ रहे हैं, ऊपर से 7.5 बढ़ा दिए, और जुल्म हो गया। करना क्या जी, गरीब आदमी तो बिल्कुल ही मर गया। आप हमारे पास आए हैं, देखा अपना क्या, हम कैसे हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए। जी जी जी, ये तो आप देख ही रहे हैं, ये सारे महंगाई की वजह है। जरा इधर नजर दोहराए, देखे बिजली हमने बंद रखी हुई है ताकि ये ग्राहकों से कोई रिलीफ हासिल कर सके। तो कारोबार तो है ही नहीं, ये हुकूमतें आपस में लड़ मर रही है, गरीब आवाम को कोई फायदा ही नहीं हो रहा इसके बारे में। ये बहुत बड़ा जुल्म है जी, सिर्फ बातों की हद तक तो करती हैं वो, लेकिन वो जुल्म कर रही है आवाम के साथ, के आते साथ ही उन्होंने 7.5 रुपये प्रति यूनिट बढ़ा दिया है। आगे हमारे बिल जो है वो 80-90 हज़ार रुपये आते हैं और मजीद अगर बढ़ गया तो ये 1 लाख के क्रॉस कर जाएगा, हम कैसे देंगे इसको। इनको चाहिए कुछ ख्याल करना चाहिए। तो मैं तो महंगाई सस्ती कर दूँगी, फलां चीज़ सस्ती कर दूँगी, फौरन रिलीफ मिलना शुरू हो जाएगा, बजाय रिलीफ मिलने के हमें तो तकलीफ मिल रही है। बिजली की फी यूनिट कीमत जो है 7.5 रुपये बढ़ गई है, आप इस हवाले से क्या कहेंगे। यार बहुत ही बुरा हुआ है, ये हुकूमत तो बहुत ज़्यादा जुल्म कर रही है। जो इतवार लगाने थे वो भी लगाने और बकाया भी, कोई ऐसे काम वर्किंग इनकी सही नहीं है, कोई प्रोग्रेस, कोई रिपोर्ट इनकी अच्छी नहीं आ रही। अभी देखें मरियम नवाज़ ने हल्फ लिया और हल्फ लेने के फौरी बाद जो है वो 7.5 रुपये फी यूनिट बिजली की कीमत बिजली बंद कर गिरी है वहाँ। हाँ वो भी भरी है, अभी तो पेट्रोल पम्प भी गिरा है, पेट्रोल पम्प भी गिरा पड़ा है हमारे पास और ये गैस का पड़ा है हमारे पे बिल, बहुत बुरे हालात हो गए। तो आपको लगता है कि ये जो नई गवर्नमेंट है ये महंगाई को कंट्रोल करने में कुछ कामयाब हो पाएगी। बस दुआ करें, अल्लाह करे, उम्मीद तो अल्लाह पे ही है, इन पे तो कोई उम्मीद नहीं है। बिजली की कीमत बढ़ने से हर चीज़ अबव हो जाएगी, कुव्वत खरीद आगे नहीं इंसान में, लोग महंगाई के से पिस रहे हैं। लोगों के लिए अब आटा खरीदना और क्या ना बिजली का बिल देना ही बहुत मुश्किल है कि वो अपने बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, आगे आप क्या सरवाइव करेंगे, बहुत मुश्किल होता जा रहा है। मरियम नवाज़ साहिबा आ गई हैं, इन्होंने हल्फ भी लिया है, वज़ीर आला पंजाब बनी हैं, तो इसके एक दिन बाद ही आप देखें बिजली की कीमत बढ़ गई है, तो आपको कोई उम्मीद है नई गवर्नमेंट। हमें उम्मीद है, बीबी आई हैं और ताकि कोशिश करेंगी वो मुल्क के लिए गुडविल करेंगी, इंशाल्लाह कोशिश है कि वो सरवाइव करें, हमारी कोशिश है कि वो सरवाइव करें और गरीब आवाम के लिए अच्छा सोचें और महंगाई जो रोज़मर्रा की चीज़ों के लिए, उनको चाहिए कि वो अपना जो ना कुव्वत खरीद कम करें लोगों की, ताकि लोग जो गरीब आवाम जो ना वो उनकी कुव्वत खरीद बढ़े और उनको वो आसानी से अपनी ज़िंदगी बसर करें। और शोबा सेहत के लिए ज़रूरी है कि गरीब आवाम के लिए सेहत के शोबे में रिलीफ दें, जितने रिलीफ हो सकता है वो गवर्नमेंट को चाहिए, सेहत के शोबे में और तालीम के शोबे में रिलीफ दें आवाम को। क्या कहना है, इन्होंने 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 तो पहले भी
18 महीने वो की है हुकूमत, तो उनको इनका हाल देखा है मुल्क क्या किया है, जो पीडीएम ने किया है, ये पीडीएम 2 आ गई है, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं इनमें इनसे ये तो एक बंदा तो है नहीं, वाज़ अक्सरियत इनके पास है नहीं है कि एक बंदा को तो ताकतवर फैसला कर सके। इन्होंने बस बंदर बांट करनी है, लूट मार करनी है, अपना अपना हिस्सा लेना है, और इस तरह इन्होंने टाइम निकाल दिया। आवाम पे इतना बोझ ना डाला जाए, आवाम आ गई बड़ी सती हुई है, तो लिहाजा मेहरबानी करें जो नई हुकूमत बैठी है ना, इनको चाहिए कि कुछ आवाम का भी ख्याल करें, ताकि लोग अपनी जो कोई परचेजिंग है वो भी कर सकें, कोई कारोबार भी हिले, कारोबार बिल्कुल ऐसे जाम हुए हैं जैसे किसी ने पहिया जाम किया हुआ है, तो बहुत मुश्किल हो रही है, सर्वाइव करना मुश्किल हुआ है। तो हमें तो उम्मीद इसी हुकूमत पर है ना, तो अगर ये हुकूमत कोई बेहतरी लाती है तो इसमें हमारा दुकानदारी भी कोई बेहतर हो, कुछ दूसरे अखराज ही इतने ज़्यादा हैं जो ना पूरे करने मुश्किल हुआ। तो सुना आपने, आवाम का मिला जुला रद्द अमल था महंगाई के हवाले से, और हर कोई महंगाई से सताया हुआ नज़र आ रहा है, और कोई अब भी इस हुकूमत से ये उम्मीद लगाए हुए है कि वो आएंगे तो सब ठीक कर देंगे, लेकिन आवाम की बड़ी तादाद जो है वो मायूस नज़र आ रही है महंगाई के बढ़ने से, और ख़ास तौर पर जो बिजली का झटका दिया गया है हुकूमत की जानिब से, और नई हुकूमत की जानिब से नया बिजली का झटका है वो भी 7.5 रुपये फी यूनिट, और आवाम जो है वो बुरी तरीके से पिसे हुए हैं। आपने देखा कि मैंने कारोबारी हजरात से भी बात की, दुकानदारों से भी बात की, और उनका यही कहना था कि हम सताए हुए हैं, सब कुछ आपके सामने है। तो आवाम में बहुत ज़्यादा मायूसी पाई जा रही है, क्योंकि आवाम ने पहले भी ये पीडीएम मिक्स अचार की जो 16 माह की नाकस कारकर्दगी है वो देखी है, और इसलिए वो ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाए हुए इन कठपुतली गवर्नमेंट से, सिलेक्टेड गवर्नमेंट से, ये आवाम का कहना है। तो अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।